नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, और शनि देव ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं अगर वो प्रसन्न हो जाए तो। और इंसान के कर्म अगर बेहतरीन हैं तो शनिदेव निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसे ही कुछ राशियों पर शनिदेव मेहरबान हो रहे हैं 2025 तक, एक लंबा समय है। अगर हम अभी से काउंट करें तो करीब करीब 4.5 साल का वक्त आपके पास बचा हुआ है कुछ राशि वालों के पास, जिसमें शनिदेव उनकी मन की हर इच्छा पूरी करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देंगे। आप कह सकते हैं आपके जीवन में राजयोग आ जाएगा, या जो भी आप चाहते हैं वो चीजें बड़ी आसानी से या कम मेहनत में आपको शनिदेव दे देंगे, बशर्ते आप अपनी तरफ से कोई बुरे कर्म मत करिएगा, कोई गलती मत करिएगा, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे शनिदेव नाराज हो। तो शनिदेव अभी वर्तमान में मकर राशि में चल रहे हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो मकर राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रहेंगे। और मकर के बाद किस में चले जाएंगे? कुंभ राशि में। तो मकर और कुंभ दोनों ही शनि की राशियां हैं, तो स्वराशि के हो गए। अब स्वराशि के जब शनि होंगे, अपनी राशि में होंगे, तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठकर बहुत अच्छे परिणाम देता है और शानदार परिणाम देता है। तो कुछ राशि वालों को इसका बहुत अच्छा लाभ होगा 2025 तक। अब हम कुछ राशियों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशि वालों को नहीं मिलेगा, ये नंबर वन है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आएगा वो नंबर दो होंगी, फिर नंबर तीन होंगी, तो मिलेगा सबको, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये नंबर वन पे रहने वाली हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये राशियां। नौकरी, व्यापार, शिक्षा में तरक्की, शत्रुओं का नाश, सेहत सुधरने लगेगी, बिगड़े रिश्ते बनने लगेंगे, घर में मांगलिक कार्य होने की शुरुआत हो जाएगी। शनिदेव जमीन से उठाकर राजगद्दी तक लेकर जाते हैं, शनिदेव जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाते हैं। और जो लोग दाने दाने को तरस रहे होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता है, एक वक्त शनिदेव ऐसा लेकर आते हैं कि वो अन्न का दान कर रहे होते हैं, लोगों के घर भर रहे होते हैं। यानी कल तक खुद के खाने का नहीं था, आज लंगर लगा के बैठे हैं, दुनिया को खिला रहे हैं। ऐसी खुशियां, ऐसी सफलता देने वाले एकमात्र ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव से कुछ लोग डरते हैं कि शनिदेव खराब तो नहीं कर देंगे कुछ, जीवन में तबाही तो नहीं मचा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव उन्हीं के जीवन में तबाही मचाते हैं जो पहले अपने जीवन में खुद तबाही मचाते हैं। यानी कि पहले आप खुद अपना जीवन खराब करते हैं या करती हैं, उसके बाद शनिदेव कहते हैं कि लो भाई, अब मैं तुमने गलती की, अब गलती की तो सजा तो हम देंगे ही देंगे, तो गलतियां मत करिए तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे स्कूल में आप जाते हैं, अगर आप गलती नहीं करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, तो टीचर आपको कुछ नहीं कहता, बल्कि शाबाशी देता है, बहुत बढ़िया। घर पे भी आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी देते हैं, कभी माता पिता रास्ते में मिल जाए तो उनसे भी कहते हैं बहुत बढ़िया आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में। अब आप स्कूल में भी बैठ के शरारते करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो टीचर सीट पर खड़ा कर देगा या कुछ आपको पनिशमेंट दे देगा, आपके माता पिता को घर पर लेटर या चिट्ठी भेजी जाएगी कि आपका बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता है। बहुत ज़्यादा आपने तंग किया तो हो सकता है स्कूल से निकाल ही दिया जाए। तो इसी प्रकार से गलतियां आप करते हैं, फिर उसकी जब सजा मिलती है तो परेशान हो जाते हैं। तो शनि देव भी आपकी ही गलतियों का फल आपको देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे 4.5 साल बचे हैं आपके लिए खुशियां पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, और 4.5 साल का वक्त भी कोई कम नहीं होता है। तो नौकरी, व्यापार, शिक्षा, परिवार, देश विदेश, यात्रा, दुख दर्द, इन सब से मुक्ति दिलाने आ रहे हैं और खुशियां देने आ रहे हैं शनिदेव इन राशि वालों को। तो चलिए हम बात करेंगे, वो पहली राशि कौन सी है जिसको शनिदेव 2025 तक मालामाल कर देंगे, राजयोग बना देंगे, जीवन में न जाने कौन कौन से सुख दे देंगे, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी, महिला, पुरुष, बच्चे सभी के लिए यह वीडियो है। अगर जो राशियां हम आपको बताएंगे इनकी तरक्की या प्रगति रुकी हुई थी, तो होनी शुरू हो चुकी होगी या हो जाएगी। तो चलिए पहली राशि कौन सी है उस राशि का नाम लेते हैं, इंतजार खत्म करते हैं। पहली राशि होगी मेष राशि। अभी वर्तमान समय में शनि दशम भाव में है, देखिए गोचर कुंडली आपके सामने है, शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं और अभी 2.5 वर्ष तक लगभग यहीं पर रहेंगे,
उस 2.5 वर्ष में से कम से कम 6 महीने का समय बीत चुका है, 2 वर्ष तक रहेंगे और आपको बहुत फायदा देंगे, बहुत बहुत फायदा देंगे। शनि आपको रोजगार देंगे, आपका कैरियर सेट कर देंगे, आप अगले 5 वर्षों तक आपकी जो संपत्ति है वो आप बना लेंगे, गाड़ी बंगला घर आप खुद अपनी मेहनत से बना लेंगे, अपनी मेहनत से खड़ा कर लेंगे, किसी के इंतजार में नहीं रहेंगे कि पिताजी देते हैं या पैतृक संपत्ति मिल जाए, वो मिल जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपना ही सब कुछ बना लेंगे, आपका व्यवसाय सेट हो जाएगा, शनि आपको विद्वान बना देंगे, थोड़े से संघर्ष के बाद ही शनि आपको बहुत कुछ सुख दे देंगे, आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं, कोई भी काम रुकेगा नहीं, सब काम आसानी से होता हुआ चला जाएगा, आपके पास धन इतना आएगा कि आप कर्जों से मुक्ति पा लेंगे और अगले 5 वर्षों में आपको शनि माला माल कर देंगे, नौकरी में उच्च पद दिला देंगे, व्यवसाय को सेट कर देंगे, शौर्य से जुड़े हुए जो भी काम है सेना मिलिट्री वाले उसमें आपको बहुत अच्छी पदोन्नति और आपको बहुत मेडल्स वगैरह मिल सकते हैं, तकनीकी विभाग में बढ़िया रहेगा, मीडिया कम्युनिकेशन डॉक्टर है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, कैमरे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, शोध का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। सेहत बिगड़ी है तो सुधार हो जाएगा, कर्जों से मुक्ति पालेंगे, हर प्रकार से जो तकलीफें थी जो जीवन में होती हैं उनको शनिदेव कम करते हुए आपको सुख और समृद्धि और सफलता की तरफ लेके जाएंगे। अगले 5 साल तक यानी 2025 तक आप ये कह सकते हैं कि जीवन के हर सुख और हर सफलता को आप पालेंगे यदि आप काबिल हैं और काम करते हैं तो। शनि देव देने को तैयार है, आप लेने को तैयार है, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक सफलता और एक टिकाऊपन आ जाएगा कि अब आपने सब कुछ सेटल कर लिया है। अगर आपकी उम्र 30-32 साल से ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप इस एज में अक्सर इंसान अपने बिजनेस या नौकरी के सेटलमेंट के दौर में होता है, विवाह के योग्य हो जाता है अगर जिसका लेट विवाह हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं जो है आपकी समाप्त हो जाएंगी मेष राशि वालों की। बात करते हैं दूसरी लकी राशि जिसको 2025 तक सारे सुख मिल जाएंगे, वो कौन सी है। तो अगली जो दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों देखिए अपनी गोचर कुंडली, और वर्तमान समय में शनिदेव भाग्य भाव में और बाद में दशम भाव में चले जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। पंच महापुरुष योग भी बनेगा, इसमें वो योग का नाम होगा शश महापुरुष योग। आपके लिए शनि दिन बदलने वाले हैं, यानी कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। आप अपनी मेहनत से वो हर सुख पालेंगे जो एक इंसान पाना चाहता है, जो एक इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण सुख होता है। आप धनी तो होंगे, आपकी संतान अति धनवान होगी, आपसे ज़्यादा आपकी संतान धनवान हो जाएगी, और जिस इंसान के बच्चे लायक निकल जाएं, अच्छा सेटलमेंट कर लें नौकरी व्यापार में और कैरियर में, तो माता पिता तो अपने आप धनवान हो जाते हैं, आप तो होंगे ही होंगे और आपकी संतान भी धनवान और सुखी हो जाएगी, तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। आपके जीवन में आप उच्च पदों को पाएंगे, आपका भाग्य आपको साथ देगा, टीवी मीडिया डॉक्टरी लाइन फिल्मी दुनिया वकालत चिकित्सा से जुड़े हैं तो देश विदेश में सम्मान मिलेगा। आप 35+ हैं तो आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। अब आप आगे यानी कि 35 से अगर 40 साल की उम्र के बीच के पड़ाव में हैं आप, तो अब आप जीवन में हर सुख पाने की तरफ बढ़ जाएंगे। घर में सुख होगा, शांति होगी, मांगलिक कार्य होंगे, विदेशी धरती से लाभ होगा, देश विदेश से लाभ होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं जो आप चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं शनि देव वैसा करा देंगे, बशर्ते आप अपने हाथों अपने बने हुए कामों को ना बिगाड़ें। तो दूसरी राशि जो वृषभ है इनके लिए भी शनिदेव अगले 2025 तक खुशियों की बारिश करते रहेंगे। बात करते हैं तीसरी राशि की जो लकी रहेगी जिसमें 2025 तक इनको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, जब शनि है रक्षक तो बाकी कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो अगली राशि कौन सी है, वो है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं और वर्तमान समय में शनिदेव जो हैं शश पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं लग्न में, और इसके बाद ये चले जाएंगे 2.5 साल बाद लगभग आपके द्वितीय भाव में धन भाव में। तो अगले 2.5 वर्ष भी आप धनवान रहेंगे। कुंभ राशि में जब शनि चले जाएंगे तो भी धनवान रहेंगे आप। 2025 तक ऐश करने का समय है, धन दौलत सभी कुछ आपके पास होगा, शनि देव आपको धन दौलत ये सब चीज़ें अवश्य देंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका संघर्ष थोड़ा कम होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, केमिकल संबंधी काम कृषि खेती संबंधी काम में सफल रहेंगे, टीवी मीडिया पत्रकारिता एक्टिंग वाले कामों में सफल रहेंगे, लाभ जबरदस्त होगा 2025 तक आपकी राशि को।
मैं कहूंगा आप तीनों राशियों को, आपको शनि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है 2025 तक। तो मकर राशि वालों के लिए भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वृषभ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मेष के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। शनि की कृपा ऐसे बरसेगी कि मानो छप्पड़ फट गया हो, शनि ऐसे आपको सुख देंगे कि जैसे इस दुनिया की सारी खुशियां आपके लिए ही बनी हो। तो कुल मिलाकर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है और आप मेहनती हैं। आप आज वर्तमान में जो जी रहे हैं ये तीन राशि वाले, ये कोई बुरे कर्म नहीं करते हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, आलस नहीं करते हैं और धर्म कर्म का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और 2025 तक आप अपने नाम का, अपने काम का, अपने रुतबे का झंडा लहरा देंगे और विजयी होंगे। तो ये तीन राशियां जिनको सबसे ज्यादा शनि 2025 तक देंगे, नंबर 1 पे रहेंगे, नंबर 1। तो उम्मीद करता हूं आप लोग शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उनके नियमों का पालन करेंगे, पीपल के वृक्ष की सेवा करेंगे, शमी के पौधे की सेवा करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं, चालबाजी छलबाजी नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर शनि देव आपको टॉप की पोजीशन में बैठा देंगे आप तीन राशि वालों को। और बाकी राशि वालों को क्या मिलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। फिलहाल नंबर 1 है ये तीन राशियां 2025 तक। कोई समस्या कोई परेशानी है जीवन में तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शनि रक्षा कवच धारण करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी लव लाइफ को सुधारना चाहते हैं और उसके लिए कवच धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें। समस्याएं कोई भी हो उसका समाधान ईश्वर ने ज्योतिष के माध्यम से दिया है और वही समाधान मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार। नमस्कार। त्रिशक्ति, तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन की शक्तियों से बना हुआ एक अद्भुत त्रिशक्ति रक्षा कवच जो आकाश पाताल और धरती में जो भी अशुभ प्रभाव है उनसे आपको बचाएगा और ईश्वर की कृपा आपको देगा। ये ओरिजिनल प्योर सर्टिफाइड नेपाली रुद्राक्षों से बना हुआ, साथ में स्फटिक का भी प्रयोग किया है हमने, चांदी में मढ़ा हुआ लाल धागे में महिला पुरुष बच्चे धारण कर सकते हैं। ये त्रिशक्ति रक्षा कवच, ये त्रिशक्ति बंध पैसा मान सम्मान दुखों से मुक्ति हेल्थ सब कुछ देगा। जिसका विवाह नहीं हुआ उसमें सहायता करेगा, जिसको संतान चाहिए उसकी सहायता होगी, जिसको पॉलिटिक्स में आगे जाना है उसकी सहायता होगी, जिसको शिक्षा में आगे जाना है, विदेश जाना है, शादी करनी है, प्रेम संबंध में समस्या है, सब चीजों में। मैंने क्या कहा, त्रिशक्ति। यहां पर कोई ऐसी चीज बची नहीं है जिससे आपको राहत ना मिले। आप में से जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। ये आपकी राशि के अनुसार बढ़ाया जाएगा, ये कोई तैयार नहीं पड़े होंगे, जितने ऑर्डर्स आएंगे उतने ही बनेंगे, फिर भी बहुत लिमिटेड है। मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और आप तक कोरियर से भेजा जाएगा। और साथ में अगर जिनको काल सर्प दोष है वो लोग काल सर्प दोष रक्षा कवच भी ले सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना एक ऐसी चीज है, समझ लीजिए ईश्वर की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। बड़ी मुश्किलों से लोग रुद्राक्ष धारण कर पाते हैं, इतना आसान नहीं होता है। अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तो आप जरूर धारण कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कौन धारण करेगा कौन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कर पाएगा वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे और आजीवन सुखों को पाता रहे, क्योंकि शिव को अत्यंत प्रिय है रुद्राक्ष, और जिसके गले में रुद्राक्ष है वो शिव को पसंद है, और जो शिव को पसंद है उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट कोई भी हो,
शिव के लिए वो कष्ट हटाना चुटकियों का काम है। तो आप शिव के प्रिय बन जाइए, शिव आपके प्रिय बन जाएंगे। तो जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर करिए, जैसे भी आपकी इच्छा करे वैसे करिए, और बुकिंग शीघ्र कराइए ताकि वक्त से चीज़ें तैयार होकर वक्त से आपको मिल जाएं। हरिओम, नमस्कार।